हाय दोस्तों, नमस्कार। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और अभी जो इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं वो AET से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं, जो कि आया हुआ है नोटिफिकेशन अपडेट। तो हमारे पास जो मेल आया है, हम उसके बारे में बताएंगे कि टाटा स्टील का जो है AET का एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं मुझे जो आया है, टैलेंट एक्वेशंस ग्रुप फ्रॉम टाटा स्टील लिमिटेड इन्वाइट्स यू टू टेक डेमो टेस्ट फॉर एस्पायरिंग इंजीनियर्स प्रोग्राम 2022 के लिए। ठीक, तो यहाँ पर देख सकते हैं क्या क्या चीज़ के लिए आया हुआ है और क्या क्या चीज़ क्लियर करना है वो आपको यहाँ पर दिया गया डेमो टेस्ट के लिए। फर्स्ट में देयर आर फ्यू बेसिक रिक्वायरमेंट टू टेक द असेसमेंट, उसके लिए दिया गया है। इसमें असेसमेंट में क्या क्या चीज़ सब दिया रहेगा और आपको क्या क्या चीज़ क्लियर करना है। ठीक है, ए पर्सनल कंप्यूटर लैपटॉप विथ वर्किंग कैमरा एंड माइक्रोफोन, तो ये चीज़ का आपको क्लियर करना है। माइक्रोफोन भी होना चाहिए और कैमरा ओपन होना चाहिए, लैपटॉप से हो या कंप्यूटर से हो। उसके बाद नो मोबाइल फोन्स आर टू बी यूज फॉर अटेंडिंग द टेस्ट, मोबाइल का यूज नहीं कर सकते हैं ये टेस्ट देने के टाइम में। ठीक है, मतलब मोबाइल पे आप लोग इसको अटेंड नहीं कर सकते हैं इस एग्जाम को। उसके बाद स्मूथ एंड अनइंटरप्टेड इंटरनेट कनेक्टिविटी थ्रू आउट द असेसमेंट सेशन विद ए स्पीड ऑफ 512 KB, मतलब 512 KB पर सेकेंड के हिसाब से आपके पास हो स्पीड, तब जा करके आप लोग ऑनलाइन टेस्ट देंगे। उसके बाद यहाँ पे आप नीचे दिया गया है कि असेसमेंट में ऑनलाइन असेसमेंट इज सपोर्टेड ऑन गूगल क्रोम 63 एंड एबव, मोजिला फायरफॉक्स 52 एंड ये सब वर्जन है। इस वर्जन में आप लोग दे सकते हैं एग्जामिनेशन। जैसे कि अगर गूगल क्रोम हो तो आपका 63 में होना चाहिए या उससे एबव बीट में होना चाहिए। उसके बाद जो है मोजिला फायरफॉक्स जो है 52 या नहीं तो एबव में होना चाहिए, सफारी जो है 12 या एबव में। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट एज के लिए जो है ये पॉइंट से होना जरूरी है, तो ही आप इसमें दे सकते हैं। उसके बाद क्या करना है और क्या नहीं करना है उसके बारे में दिया गया है। यूज द लेटेस्ट वर्जन ऑफ द मेंशन ब्राउजर, तो जो है ब्राउजर जो है आपका अपडेट होना चाहिए। क्लियर द कैच कुकीज एंड ब्राउजर हिस्ट्री ऑफ द ब्राउज बींग यूज बिफोर द स्टार्ट एंड ऑफ द टेस्ट, तो आप लोग जो भी ब्राउजर यूज करेंगे वो उसका जो हिस्ट्री लोकेशन जो रहता है वो आपका क्लीन होना चाहिए, या किसी भी तरह का उस जगह मैसेज उससे ज़्यादा है तो आप लोगों उसको क्लीन रखिए। उसके क्लोज ऑल द प्रोग्राम एप्लीकेशन दैट माइट कॉज पॉप अप, तो जो भी आपके पास मतलब प्रोग्रामिंग ऑन है या एप्लीकेशन पहले से ऑन है उसको क्लोज करना है। ठीक है, उसके बाद फोर्थ नंबर में काइंडली डिसेबल ऑल शेड्यूल अपडेट्स सो दैट देयर इज़ नो पॉपअप फ्रॉम एनी एप्लीकेशन ड्यूरिंग द टेस्ट, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है पॉपअप का, यहाँ पे देख सकते हैं कि कोने पे है, यहाँ पे ये जो है व्यू साइट इन्फॉर्मेशन उसके पास जो आता है या नहीं तो साइड में आता है, दो चीज़ का ऑप्शन आता है पॉपअप का। तो आप उस पर अगर नहीं किए, उस पर अगर मांग रहा है कि ऑडियो और वीडियो दोनों ओपन करने के लिए, तो उस समय ओपन कर लेंगे। ठीक है, या अगर नहीं आ रहा है ऑप्शन तो आप लोग चेक करेंगे, क्योंकि उसको वीडियो और ऑडियो ऑन करना होता है। उसका डोंट डू नॉट डू एंड डू नॉट ओके डू नॉट नेविगेट अवे टॉगल बिटवीन विंडोज़, मिनिमाइज और मैक्सिमाइज विंडोज़ फॉर एनी रीजन वंस द टेस्ट हैज स्टार्टेड, जब आप टेस्ट स्टार्ट हुआ था आपका उस समय आप किसी भी तरह का मिनिमाइज नहीं कर सकते हैं, किसी दूसरे ब्राउजर को नहीं खोल सकते हैं, किसी दूसरे फाइल को नहीं खोल सकते हैं। अगर ये करते हैं तो आपका टेस्ट जो है टर्मिनेट हो जाएगा। ओके, परफॉर्मिंग एनी ऑफ दीज एक्टिविटीज़ में टर्मिनेट योर टेस्ट, तो ये चीज़ है फर्स्ट ऑप्शन। सेकेंड में क्या है कि एनी क्लिक आउटसाइड द विंडोज शैल बी कंसिडर्ड एज नेविगेशन, इंश्योर नॉट टू क्लिक आउटसाइड द टेस्ट विंडो फॉर द एनी रीजन, तो अगर आपको कोई किसी कारण से आपको विंडोज़ के लिए जो नेविगेशन सिस्टम है ओपन करना पड़ रहा है तो आप लोग को एक क्लिक आउटसाइड द विंडो शैल बी कंसिडर एज नेविगेशन, तो जो आपका जो आउटसाइड का जो विंडो है वो आपको एज ए नेविगेशन के थ्रू इस पर काम करेगा, और नॉट टू क्लिक आउटसाइड द टेस्ट विंडो फॉर एनी रीजन्स, तो इसके जो आउटसाइड विंडोज पे है उस पर किसी भी तरह से क्लिक नहीं कीजिएगा और नहीं तो आपका टेस्ट टर्मिनेट हो जाएगा। उसके बाद इंश्योर द टेस्ट इज बीइंग अटेम्प्टेड इन एन अनइंटरप्टेड एनवायरनमेंट, कि आपका जो टेस्ट जो दे रहे हैं वहाँ पे कोई शोरगुल ना हो, कोई हल्ला ना हो, उस जगह पे टेस्ट दे। डू नॉट रिफ्रेश द पेज वाइल अटेम्प्टिंग द टेस्ट, तो आप जब टेस्ट दे रहे हो तो उसको रिफ्रेश ना करें कि मेरा ये क्वेश्चन आ जाए या कुछ हो जाए, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। स्टेप बाय स्टेप आपको बता दिए, इसी का गाइड को याद रखना है कि 24 तारीख को जो है 24th को जो है मेरा टेस्ट है, तो मैं भी देने जा रहा हूँ, तो आप लोग भी इस पे टेस्ट में भाग लीजिए। और आई होप आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक जो है आप लोगों को भी है। और यहाँ पे देखिए आगे दिया गया है, स्टेप बाय स्टेप गाइड फॉर द टेकिंग द टेस्ट कैन बी फाउंड बिलो एंड इट इज़
अवेलेबल यूजिंग द बिलो लिंक। तो ये लिंक जो दिया गया, क्या क्या गाइड रहेगा उसके बारे में दिया गया यहाँ पे सारे चीज़। क्लिक ऑन स्टार्ट बटन, प्रोवाइड द इन दिस मेल टू गेट रिडायरेक्टेड टू द टेस्ट पेज। वंस यू हैव रीच द टेस्ट पेज, क्लिक द लंच टेस्ट पे बटन। तो इसमें यही बता रहा है कि आप कैसे कैसे आप लोगों को ये ओपन करना है टेस्ट के लिए। तो आपको नेक्स्ट बटन में पहले फर्स्ट ओपन होगा, तो आप लोग स्टार्ट क्लिक पे करेंगे, ठीक है। यहाँ पे स्टार्ट टेस्ट पर देंगे, उसके बाद के नेक्स्ट बटन को दबाएंगे तो उस पर आपको इसमें आपको एक पेज खुलेगा जिसमें रजिस्ट्रेशन नंबर, ईमेल आईडी, फर्स्ट नेम और टाटा स्टील रेफरेंस नंबर जो दिया गया 12 डिजिट का वो डालना है, ठीक है। वो आपको हम दिखा देंगे टाटा स्टील का कौन सा डिजिट डालना है 12 डिजिट। उसके बाद ये सारी चीज़ को क्लिक करके उसके बाद सबमिट बटन आता है लास्ट में। तो सबमिट बटन जब आप टेस्ट दे देंगे तब जा करके आप लोग यूज करेंगे। ड्यूरेशन ऑफ दिस टेस्ट इज 20 मिनट्स बिफोर यू प्रोसीड। 20 मिनट पहले ही आप लोग सिस्टम पे बैठ करके आप लोग सारी चीज़ चेक कर लीजिए कैमरा वैमरा की, ताकि आपका काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। फाइनल टेस्ट इन्विटेशन ईमेल विल बी शेयर विथ यू बाई 23 अप्रैल 2022। तो आपका जो टेस्ट का जो इन्विटेशन जो मिलेगा या लिंक मिलेगा वो आपको 23 को आएगा, ठीक है, जिसका 24 को है। उसके बाद यू हैव बीन इन्वाइटेड टू टेक द असेसमेंट डेमो टेस्ट फॉर एस्पायरिंग इंजीनियर्स प्रोग्राम 2020। तो ये जो है डेमो टेस्ट के लिए दिया गया है, जो कि 20 मिनट्स बिफोर यू प्रोसीड टू टेक द असेसमेंट वी विल नीड टू चेक योर सिस्टम कंपेबिलिटी, ठीक है। तो आपके 20 मिनट पहले चेक करता है ये टेस्ट को, और उसके बाद जो है असेसमेंट एक देती है जिसमें कि वो चेक करता है कि आपके सिस्टम में कोई चीज़ का प्रॉब्लम, तो प्रॉब्लम दैट मीन्स कैमरा का या इशू ना हो, या ऑडियो इशू ना हो, या नेटवर्किंग का इशू ना हो, तो इसके लिए दिया गया, ठीक है। द टेस्ट बटन विल बी वैलिड फ्रॉम 19 अप्रैल 9 PM टू 23 अप्रैल 11:59 PM, ठीक है। टाइमिंग आर एज पर द एशिया कोलकाता टाइम जोन। तो ये जो है इंडिया का टाइम जोन दिया गया है, उसके हिसाब से ही आप लोगों को इसमें टेस्ट देना है। तो यहाँ से आप लोगों को ये सब सारी चीज़ बता दिए हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये जो लिंक जो दिया गया है कैंडिडेट का गाइड के लिए दिया गया है, उसमें गाइड को आप लोग पढ़ सकते हैं, या नहीं तो आप लोग डायरेक्टली इसके टेस्ट पर स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो PDF जो दिया हुआ है उसको गाइड को पढ़ ले सकते हैं। यहाँ पे नेम ऑफ द टेस्ट, टोटल ड्यूरेशन ऑफ द टेस्ट, एक्सेस द टाइम टू द स्टार्ट द टेस्ट, सिस्टम कैपेबिलिटी बटन, स्टार्ट टेस्ट बटन, ये सारी चीज़ दिया गया है कि कैसे कैसे रहेगा। यहाँ देखिए डियर अभिषेक, इस तरह का आपको फॉर्मेट में रहेंगे, ठीक है। उसके बाद इस तरह का पेज खुलेंगे, इसका टाइम जोन ऐसा रहेगा, चेक मोबाइल टेस्ट, सैंपल टेस्ट, ये सब सारी चीज़ आएंगे, ठीक है। सैंपल टेस्ट कॉपी, उसके बाद सैंपल टेस्ट कॉपी, उसके बाद फिर आगे आ गया है फिर से रिक्वेस्टिंग स्क्रीन शेयरिंग प्रोमिसज, ये सारा चीज़ दिया गया है। तो आप इस सबको सारी चीज़ को केयरफुली देखते रहिए और उसके बाद टेस्ट स्टार्ट कीजिए। यहाँ पे फोटो रहता है, तो फोटो आपका कैप्चर करना है फेस को करेक्ट वे में। उसके बाद आईडी डालना होता है, कैप्चर योर आईडी, ठीक है, जो आधार कार्ड होता है या कुछ भी वो कैप्चर करते हैं। उसके बाद वहाँ से स्टार्ट टेस्ट, सैंपल टेस्ट जो है स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे प्रोसीड टू टेस्ट करेंगे आगे, और ये सारा जो है मॉनिटरिंग जो होगा वो CCTV मतलब आपका जो ये कैमरा है उसके थ्रू ऑन रहेगा, बट आपको दिखेगा नहीं। अटेम्प्टिंग द टेस्ट, तो जो टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे यहाँ पे दिया गया है, देखिए यहाँ सेक्शन टाइम लेफ्ट, टेस्ट टाइम लेफ्ट, कितने टाइम बचे हुए हैं उसके बारे में दिया गया। तो ये सारी चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि किसी तरह का कोई दिक्कत ना हो, आपको एग्जाम में कोई इंटरप्ट ना हो। तो ये सारी चीज़ दिया गया है। ये क्या है, ये है ऑल क्वेश्चन, ब्लैक कलर, रिवाइज क्वेश्चन ऑरेंज कलर, अटेम्प्ट क्वेश्चन ब्लू कलर, नॉन अटेम्प्ट क्वेश्चन ग्रे कलर, ठीक है। तो ये चारों ऑप्शन दिया है कि आप कौन सा क्वेश्चन किए हैं, नहीं किए हैं, या कोई डाउट में है, तो वो सब क्वेश्चन के बारे में दिया गया है। उसके बाद नीचे जाएंगे तो आगे देख सकते हैं, यहाँ पे दिया गया है सिलेक्शन सेक्शन 2 के लिए है, ठीक है। तो जो जो सेक्शन में आप देंगे एग्ज़ाम उसके लिए आपको यहाँ पे सारा चीज़ दिखाएगा। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है टेस्ट के लिए यू हैव नॉट ऑप्शन टू और अलाउड टू मॉडिफाई। तो इसके लिए कोई मॉडिफाई करने के लिए कोई ज़रूरत नहीं, अगर आप एक ऑप्शन दे दिए हैं तो। उसके बाद ये सारा चीज़ था, तो आप लोग इस सब को छोटी छोटी बातों को ध्यान रखेंगे, ठीक है। फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो टेस्ट पे यहाँ पे जा करके हम लोग नीचे में दिया गया टेस्ट यहाँ पे देखिए स्टार्ट टेस्ट पर क्लिक करेंगे। स्टार्ट टेस्ट पर क्लिक करते ही आपका ये ब्राउजर खुलेगा, मेटल टेस्ट स्टार्ट। तो यहाँ से आपको प्रोसीड करना है, ठीक है। प्रोसीड करके आप लोग कनेक्टिविटी को चेक कर सकते हैं, इंटरनेट को डू नॉट रिफ्रेश करना है। तो ये सारी चीज़ को आपको ध्यान में रखते हुए 6 क्वेश्चन होगा, 2 सेक्शन में, 20 मिनट्स का ड्यूरेशन रहेगा।
तो इस सारे चीज़ को ध्यान रखना है। तो हम टेस्ट देंगे बट आपको रिकॉर्डिंग नहीं चालू रहेगा, तो इसीलिए आप लोग इस सबको ध्यान में रखते हुए आप लोग इसका टेस्ट दीजिएगा, ठीक है। तो बस इतना ही था।